निमेश जय सचिदानंद निमेसा नहीं अन्वेट करते जय सचिन संजीव भाई जय सचना कर करजे संजीव भाई कैनिमेंसन okay, त्रिमंत्र बोला हुआ है जी संजीव मैं फॉलो करेंगे नमो नम अच्छा वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो वरियंतारम नमो वरियंतारम नमो सिदारम नमो सिदारम नमो आयरियानम नमो आयरियानम नमो उवजायानम నమో వ్యానం నమో సాఫుణం నమో సర్వసావం ఎసో పంచముక్ో ఎసో పంచముక్ో సర్వ సర్వసనో మంగళాం చ సవ్య సిం మంగళాణం సవ్య पद्म मंगलम पड़वम भवै मंगलम ओम नमो भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सचिदान जय सच निमेशन कोई ना नहीं थी તમે વાત કરી શકો આગળ હાજી નિમેશજી તમે આ છઠ્ઠી કલમ ઉપર જરા કહેજો બધો મગજમાં ગણુદ બધો ચાલતો હોય એને કેવી રીતે એવોઇડ કરે અત્યારે આ હિન્દીમાં કે ગુજરાતીમાં છે આ સત્સંગ હિન્દીમાં હિન્દી અચ્છા અચ્છા સોરી દાદા ભગવાનની એ નવ કલમ મે सही में देखने जाए तो तमाम शास्त्रों का अर्क है और इस कलयुग में पंचम आर्य में सबसे ज्यादा महत्व ये छठवी कलम का है छठवीं कलम एक शुद्धात्मा प्राप्त होने के बाद और शुद्धात्मा प्राप्त करने के लिए भी सबसे बड़ा इस संसार में पुद्गल में से हम सुख लेते हैं या तो जिसको कहते हैं कि जहां पर एक एक क्षण मात्रा का सुख नहीं है वहां पे हम पूरा कलयुग में हम सब भर भर के सुख मान के आए हैं वो ये छठवी कलम है और छठवी कलम शुद्धात्मा को भी बाधक है और संसार में भी बाधक है संजीव भाई आप तो महात्मा है इसके लिए थोड़ा मैं खुल के ये बात कर रहा हूं दादा भगवान ने तो मना किया था कि इस बारे में इस कलयुग में कभी भी कहीं पे भी ये बात मत निकालना क्योंकि मुश्किल से इस कलयुग में एक ही जगह से सुख खा रहा है अगर वो वो भी आप बात करके अगर उसका सुख चला जाएगा तो वो जिएगा कैसे ऐसा दादा भगवान कहते थे हमको कि कोई ऐसा महात्मा हो कोई समझ हो जिज्ञासु हो तो जाके ये छठवी कलम मतलब ब्रह्मचर्य के ऊपर थोड़ी सी बात करते रहना नहीं तो ये बात निकालना तक नहीं क्योंकि ये कलयुग में अगर सुख आता है तो सबसे बड़ा सुख या तो सबसे बड़ी अपनी गेम केवल ये छठवी कलम पे है क्योंकि मन का मन के साथ हमारा लगाव होने के कारण मन में सबसे बड़ी गांठ ये विषय विकार की है और ये कलयुग में विषय विकार की गांठ डायरेक्ट नहीं है कोई ना कोई ट्रिक कोई न कोई भाषा या कोई ना कोई रोल इंडिया इनडिरेक्ट निभाकर ये चीज ये सुख प्राप्त करने की भीतर से तीव्र कामना रहती है जो खुद को भी प... पता नहीं चलता है कि ये बात मेरे अंदर से क्यों हो रही है क्योंकि ये ये विषय विकार इस कलयुग में कपट को बढ़ावा देता है मतलब कपट को एनकरेजमेंट देता है क्योंकि बिना कपट किए ये विषय विकार इस कलयुग में हम कर नहीं पाएंगे मतलब विषय विकार का सुख ले नहीं पाते और दूसरी तरफ से कहे तो इस कपट को खुराक देने वाली कोई चीज हो तो ये विषय विकार है क्योंकि विषय विकार के बारे बाबत में जितना हम जागृत नहीं है उतनी हमारे भीतर ट्रिक ज्यादा है जितनी ट्रिक जितनी आइडिया जितना इनडिरेक्ट इस सुख को भुगतने की सारी चाल हमारी अंदर से जो खुद मालिक को भी पता नहीं होता है कि ये सारी बातें खुद को क्यों आनंद दे रही है तो कि केवल विषय विकार भुगतने के लिए उनके मुंह से ऐसी बातें निकले कभी कभी दया के आधार पर कभी कभी इमोशनल के आधार पर कभी कभी खुद को डिप्रेशन या खुद को एकदम नर्वस बना कर ये ये चीज खड़ी करता है क्योंकि ये संसार में ये सारी चीज नर्वस होना या एक लाचार होना या तो इमोशनल होना ये दूसरे को भी उसमें उसकी जाल में फंसा सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट विषय विकार इस काल में है ही नहीं और डायरेक्ट ना होने के कारण कपट के आधार पर है तो ये छठवी कलम हम बोलते जाए बोलते जाए बोलते जाए बोलते जाए तब पता चलता है कि विषय विकार अभी मेरे मन में कब खड़ा होता है वो समझ में आता है वाणी से हमारा व्यवहार है विषय विकार की तरफ मगर वाणी उस समय ऐसे निकलती है कि कोई भी यहां तक ये यह जो वाणी जिसके मुंह से निकलती है वो खुद भी इस वाणी पे से अंदाज ना निकाल सके कि ये वाणी मुझे विषय विकार की ओर ले जा रही है और तीसरी बात रही खुली काया से काया अलग अलग प्रकार से नजदीक आना काया का ऐसा बिहेव करना काया से ऐसे बिहेव करना और ऐसे काया से अपना रोल बजाना कि वो काया अपने आप विषय विकार को अंदर से बहुत एनकरेज दे दे सके हेल्प कर सके या अपनी फाइल नंबर एक मतलब अपने खुद के मन वाणी और काया ये जो हम लेकर आए हैं उसमें कहीं पर भी डायरेक्ट विषय विकार है नहीं क्योंकि ये मन वाणी काया कलयुग के है पंचम आर्य के है और जितना विषय विकार की गांठ बड़ी उतना जल्दी समझ में नहीं आए क्योंकि जितनी गांठ बड़ी उतना उस गांठ को मेंटेन करने के लिए मैनेजमेंट भी अंदर से बड़ा रहता है जितनी गांठ छोटी उसके लिए मैनेजमेंट कम से कम और इनोसेंट मैनेजमेंट रहता है जितनी गांठ बड़ी और वापस भारी चिकनाहट वाली उसमें मैनेजमेंट वैसा ही चाहिए कि वो गांठ को ज्यादा से ज्यादा उसकी फेवर में बिजनेस कर सके ये ज्ञान लेने के बाद दादा भगवान से बार बार एक ही बात सब महात्मा पूछते रहते हैं अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है क्यों हम कच्चे पढ़ते हैं क्यों आज्ञा कच्ची पड़ती है क्या वजह है तरह 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 के प्रश्न हमारे अंदर चलते रहते क्योंकि महात्माओं का अंदर से बहुत हंड्रेड परसेंट उनका ये है कि किस तरह आज्ञा और आज्ञा का अनुभव हमें होते जाए दादा भगवान ने कहा जैसे जैसे पुद्गल का सुख फिक्का पड़ता जाए जैसे जैसे पुद्गल में से आता हुआ सुख कम होता जाए फिक्का होता जाए या तो खुद को ही पुद्गल का सुख पसंद ना आए वैसे वैसे शुद्धात्मा का सुख का अनुभव बढ़ते जाएगा अब ये सारी बात हमने संजीव भाई दादा भगवान के मुख से भी सुना है दादा भगवान की किताब से सुना है सत्संग में सुना है आपतावाणी में से सुना है सबसे बड़ा पुद्गल का सुख जब तक पूरी पुद्गल की सारी मशीनरी को एक्टिव रखता है मेंटेनेंस किए बिगर भी वो मशीनरी काम करते ऐसा मैनेजमेंट लेकर आए हैं। वो पुद्गल का सुख सबसे बड़ा हमारे अंदर हो तो विषय विकार का है कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं हम चिपके हुए हैं और जैसे जैसे समझ में आता है पता चलता है कि विषय विकार की ओर मुझे ले जा रहा है जैसे मेरी जेब में पैसे हैं जैसे मैंने कुछ अच्छे कपड़े पहने हैं जैसे मैंने कुछ अच्छी अच्छा क्या कहते हैं है? परफ्यूम वगैरह लगाया है ये क्यों करते हो ये क्यों इच्छा होती है अपने आप को सवारना अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाना अपने आप को परफेक्ट दिखाना बाहर से ये अंदर से कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है दादा भगवान ने यहां तक कहा संजीव भाई महात्मा होने के बाद आपकी नेसेसिटी कितनी बहुत अच्छा कहा दादा भगवान ने जब आप महात्मा हो चुके ज्ञान दृष्टि पाली विज्ञान आपने प्राप्त कर लिया अब आपको शुद्धात्मा के सुख के अलावा कोई सुख जो भी सुख है वो भले ही आए मगर उसका मैं भिखारी तो नहीं बनूंगा संसार सुख के लिए मैं लाचार अपने आप को नहीं बनाऊंगा ये दादा भगवान ने महात्माओं को कहा और हो भी जाए तो अपने अपने अंदर भीतर प्रतिक्रमण करके निश्चय करके वापस शुद्धात्मा का सुख का ही अनुभव करना है ये पक्का करना अब जब ये पक्का होते जाता है कि शुद्धात्मा सुख का ही अनुभव चाहिए मुझे और शुद्धात्मा सुख ही मुझे उसका ही स्वाद मुझे निरंतर रहे तो उसमें सबसे बड़ी ये छठवी कलम जिसको पुदगल सार कहते हैं पुदगल सार क्योंकि इस शरीर का इस शरीर और शरीर की भीतर की मशीनरी और बाहर की मशीनरी को हंड्रेड परसेंट एनर्जी पावर और सेंस ऑफ ह्यूमर कौन दे सकता है केवल ये छठवी कलम की हम सिंसियरली सही समझ के साथ इसका पालन करें या तो इसको अच्छी तरह समझने के बाद इसके प्रति हम सिंसियर हो जाए दादा भगवान ने तो यहां तक कहा कोई विषय विकार भुगतते ही नहीं है विषय विकार आपको भुगत लेता है ये पता तक नहीं चलता है तो ये कौन सी गेम खेलते अंदर विषय विकार आपको भुगत लेता है आपको भुगत डालता है आपको पूरी तरह विषय विकार निचोड़ कर बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह बना देता है तो ये अंदर से कौन करवा रहा है करने के बाद पता तक नहीं चलता है कि ये विषय विकार की वजह से मेरे अंदर पावर मेरे अंदर ए, एनर्जी मेरे काम करने की अंदर की सूझ सेंस क्यों खत्म हो गई और बार बार में चिड़चिड़ा बार बार में न टकराओ में आना हो तो टकराओ में आ जाता हूं बार बार मैं फ्रेश रहना चाहता हूं तो भी मैं फ्रेश नहीं रह पाता हूं या तो भूतकाल में चला जाऊंगा या तो भविष्य काल में चला जाऊंगा तो इसके लिए संजीव भाई दादा भगवान ने बचपन से ही एक बहुत बड़ा समझ के साथ एक अहंकार रखा था अहंकार हालांकि हम सबके पास है मगर हमारे पास जो अहंकार है वो अंध अहंकार है और दादा भगवान के पास जो अहंकार था वो जागृत और खुद की हित में या तो खुद के फायदे में अहंकार था कौन सा चाहे मैं मर जाऊं चाहे मैं कुछ भी हो जाए चाहे संसार का कुछ भी बिगड़ जाए मगर मैं मेरे चारित्र को खंडन होने नहीं दूंगा मैं चारित्र के लिए कैसा भी आ जाए मैं चारित्र के लिए तो मैं हमेशा बचपन से ही एक दाग भी न लगे ऐसा दादा भगवान पक्का करके लाए थे क्योंकि संजीव भाई इस कलयुग में दो चीज से फिसलना फिसलना मतलब स्लिप होना दो चीज से फिसलना ये कलयुग में तो बहुत आसान है मगर सदियों से कितने जन्मों से हम दो चीज की वजह से ही हम अटके हुए हैं फिसलते ही है दो चीज एक लक्ष्मी संबंधी हमारा भीतर से आसक्ति लक्ष्मी के प्रति हमारी बहुत आसक्ति कितनी भी लक्ष्मी लक्ष्मी मिले वो आसक्ति कम नहीं हुए जितना आते जाए उतना बढ़ते जाए और दूसरा है इस कलयुग में दादा भगवान कहते थे कि रात को निकला है और उसको लगा कि कुछ पैर में ठंडक आ रही है पैर में ठंडक ठंडक एहसास हो रहा है उसने दोनों हाथ डालकर हाथ को भी ठंडा किया और ठंडा करने के लिए और ठंडा का अनुभव होने होने पर उसको पता तक नहीं चला कि यह ठंडक किस चीज की है जब पता चला तो वो तो मैंने कीचड़ किचड़ मतलब कादो मतलब गटर गटर की पानी गटर का कादो गटर का किचड़ में मैंने हाथ डाला और मुझे बहुत बड़ी गर्मी में ठंडा अच्छा लगा इतनी गर्मी थी इतनी गर्मी थी कि जैसे मैंने हाथ डाले मुझे बहुत अच्छा लगा ठंड महसूस हुआ और रखने की इच्छा हो गई कि ये ये भी चलेगा चाहे कितनी बदबू आए चाहे हाथ कितने गंदे हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए मगर ये ठंडा मुझे पसंद है ये ठंडक ये कूल मुझे पसंद है, क्योंकि इतनी इतनी गर्मी में मैं ठंडक कहां से लाऊंगा उसने कीचड़ में हाथ डाल दिए कीचड़ में जैसे जैसे हाथ डालते गया उतना उसकी बदबू उसकी स्मेल उसकी दुर्गंध और उसकी सब चीज उसको उसके शरीर में उसके नाक में उसके सब में जाती गई भले ही जाए नाक में जाए आंख, कहीं पे भी जाए मगर स्पर्श हाथों के स्पर्श में ठंडक आई सिर्फ हाथ को स्पर्श हुआ और ठंडक मिली उस ठंडक के पीछे खुद की गर्मी में बेहोश होकर ये ठंड की ठंड की अनुभव करने लगा क्यों केवल स्पर्श मात्रा से तो स्पर्श बहुत ही डेंजर है एक ही हल्का सा स्पर्श भी विषय विकार को बहुत बड़ा एनकरेजमेंट दे देता है इसके लिए दादा भगवान ने कहा केवल काया से नहीं मन से वाणी से और काया से अगर ये छठवी कलम अगर बहुत सही ज्ञान और सही समझ से सही ज्ञान के बिगर तो कोई चीज वितराग मार्ग में संभव ही नहीं है क्योंकि समझ बिना सब सब काम का नहीं है कुछ भी काम का नहीं है तो ये विषय विकार एक स्पर्श मात्र से इसके लिए दादा भगवान ने कहा था संजीव भाई कि पेट्रोल और अग्नि को दोनों के साथ में मत रखना अगर अग्नि और पेट्रोल दोनों पास में आ गए तो नक्की ज्वाला भड़केगी आग लग जाएगी बूझेगी भी नहीं इसी तरह एक स्त्री का एक पुरुष के साथ ज्यादा निकट आना एक पुरुष का एक स्त्री के साथ ज्यादा निकट और कांटेक्ट में रहना वो दोनों के लिए अहित है केवल अहित ये शब्द काफी नहीं है बहुत ये शब्द बहुत लंबी समझ और लंबी दृष्टि नहीं दे पाते इतना नुकसान करता एक स्त्री का पुरुष नजदीक और ज्यादा क्लोज आना एक पुरुष का एक स्त्री के साथ ज्यादा नजदीक या तो बहुत अच्छा लगना ये भयंकर कितने जन्मों कई हमारी मनुष्य गति में आने का द्वार दरवाजा बंद हो जाता है पहले के जमाने में संजीव भाई कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछना किसी को हो तो नहीं तो थोड़ा ये मैं तो बात ही ऐसे ही कोई था नहीं इसके लिए कर रहा हूं राजेश जी मुंबई ना अब तो मैं आ कहना पर का जरा वाणी में अपने सर्कल में बैठा है तो कहीं बात था है तो कोई जोक मारे तो यू नो दैट इज यू नो जोक एंड नॉन जोक यू नो दैट कैन एंजॉय थिंकिंग दैट्स वन ऑफ द थिंग्स व्हिच सबसे सबसे पहली बात तो संजीव भाई एक खुद की खुद की वीकनेस को किस तरह उसको उसका सुख लेना उसका आनंद लेना किसी भी तरह की अपनी वीकनेस को हाईलाइट करके आनंद लेना सुख लेना ये बहुत बड़ा विषय विकार है क्यों यही विषय विकार कभी स्पर्श कभी टच में या तो कभी नजदीक बैठने में आ जाए तक नहीं चलेगा क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी एसेट्स सबसे बड़ी भगवान की दृष्टि में और चारों गति में जो हम भटक रहे हैं मनुष्य गति जानवर गति नरक गति और देव गति में उसमें सबसे बड़ी अगर कोई मिलकत हो तो, तो चारित्र जिसको हिंदी में चरित्र कहते हैं कैरेक्टर कहते हैं अगर वो कैरेक्टर अगर फिसल जाए या कैरेक्टर कम हो जाए चरित्र खंडित हो जाए तो खंडित होने का रास्ता बहुत है साफ जागृत होने का रास्ता एक ही है खंडित करना है चारित्र को तो आप मस्करी करोगे कोई भी जोक्स कहोगे उसके ऊपर हंसी उड़ाओगे या तो आप हंसोगे आपके सामने वाले कोई लेडीज बैठेंगे तो भी हंसोगे लेडीज भी जोर जोर से हसेगी आप भी जोर जोर से हंसोगे इसका मतलब क्या मुझे भी पसंद है और उसको भी पसंद है ये ये इनडायरेक्ट मैंने बहुत इतना मैंने ये दादा भगवान ने आप तो पुत्रों को इतना इस बारे में और लक्ष्मी संबंध के बारे में कहीं पे भी भिखारी बनना नहीं कहीं पे भी लाचार बनना नहीं अगर हो भी जाए तो तुरंत प्रतिक्रमण करके निश्चय पक्का कर लेना एक विषय विकार और लक्ष्मी दो क्यों तो कि ये दोनों चीज ऐसी है ये कलयुग में कहा से किस जगह से जैसे पानी बहता हुआ अपना रास्ता कर लेता है, पता तक नहीं है पानी में ताकत दिखाई न देने पर भी पानी में इतनी ताकत है कि चट्टान जैसे बड़े बड़े पहाड़ बड़े बड़े चट्टान बड़े बड़े पत्थर को भी पानी तोड़ देती है साहब फिर भी पानी में एनर्जी या पावर नहीं दिखाई देता है हम तो खाली पानी पीते हमको कहा पता है कि पानी में कितनी ताकत है पानी बड़े बड़े पहाड़ को भी छेद करके ब्रेक करके रास्ता बना लेती है और वो रास्ता नीचे आने पर पृथ्वी पे जमीन पर आने पर कहीं कहाँ वो पानी चला जाता है पता तक नहीं चलता है ये पानी में इतनी शक्ति आई कहां से थी तो क्या थी साहब बिल्कुल थी एक पानी पीने पर तो इस शरीर में बहुत ताकत आती था है क्योंकि पानी बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है साहब इसी तरह विषय विकार आत्मा के पक्ष में बहुत जनरेट करती है मगर वाणी हमारा ज्यादातर अपने पक्ष में अपनी वीकनेस के पक्ष में या तो किसी का अच्छा नहीं लगा तो दूसरी तोड़ मोड़ के या तो किसी भी तरह जिसका पसंद नहीं है उसके ऑपोजिट में बात रखना और बात बताना ये हमारे अंदर बहुत सारी गेम है साहब बहुत गेम चलती है अगर ये गेम समझ में ना आए तो विषय विकार में जो भीतर से गेम खेलते हैं गेम अंदर से खेल कर हमें उस गेम में गुमराह मतलब बेहोश बना देते हैं ये बहुत बड़ी कलम ऐसा पांच महाव्रत में भी तीर्थंकर परमात्मा महावीर भगवान को पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य अलग से रखना पड़ा संजीव भाई पांचवा महाव्रत अलग से रखना पड़ा हालांकि ब्रह्मचर्य अहिंसा के महाव्रत में आ ही जाता है फिर भी वो महाव्रत को अलग से क्यों रखना पड़ा पूरे संसार की संजीव भाई hmm. पूरे संसार की हिंसा और सबसे बड़ी हिंसा एक विषय विकार भुगतने में होती है दादा भगवान ने यहां तक कहा एक ही विषय विकार में लाखों जीव मर जाते हैं सुनते हो संजीव भाई yes. एक ही विषय विकार में एक ही समय में आपके भीतर और जिसके साथ आपने विषय विकार का ये सुख लिया दोनों का मिलाकर लाखों जीव मर जाते हैं उसमें से एक जीव जन्म लेता है बाकी सारे मर जाते हैं कितनी बड़ी हिंसा फिर भी दादा भगवान और तीर्थंकर परमात्मा महावीर भगवान ने कहा कि एक ऋषि मुनि की तरह ऋषि मुनि गृहस्थी होते हैं, शादी ब्याह करते हैं एक या दो बच्चे तक वो इस विषय विकार को रखते जैसे एक या दो बच्चे हो गए बाद में कभी भी नजदीक तो नहीं अलग अलग सोते हैं, एकांत संयासन एकांत संयासन मतलब दोनों एक ही जगह साथ में भी सोते नहीं है एक दादा को प्रार्थना करके दादा के पास शक्ति मांगकर आप देखोगे तो हमारी वाणी में से कितनी बार कितना विषय विकार के लिए हम किस तरह भीतर से अपने आप को आप अपने आप को अच्छा दिखाना क्यों चाहते हो तो दादा भगवान के लिए कह सकते हैं दादा भगवान के लिए कि उनको मान का, मान का का था एक बोला शत्रु इनोसंट एनिमीज मान की वजह से दादा भगवान को कोई मान दे तो अच्छा लगता था मगर वो केवल मान तक ही था मान से आगे नहीं जा रहा था तब हमारा मान पीछे है और विषय विकार पहले है विषय विकार भुगतने के लिए हम मान का लोभ का अपने आप के शरीर के ऊपर मोह का ये यूज करते हैं क्यों लोभ का यूज क्यों करते हो मान का यूज क्यों करते हो मोह का यूज क्यों करते हो केवल किस तरह मैं अच्छा दिखाई दू और मुझे विषय विकार के लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाए हालांकि खुद को भी पता नहीं होता कि ये सारा मेरा अब तक का जो भी व्यवहार था वो केवल इस स्टेशन को पहुंचने के लिए था ये जब पहुंचता है उसको एंजॉय करता है बाद में पता चलता कि इतना सारा तो मैंने मेहनत केवल ये भुगतने के लिए किया था बहुत बड़ा कपट है संजीव भाई ये कपट समझ में नहीं आता है इसके लिए दादा भगवान ने कहा भले ही पुरुष हो मगर कपट है भले ही कपट ज्यादा नहीं है फिर भी वो कपट है फिर और वो कपट क्यों टीका है भाई तो लक्ष्मी की वजह से फिर भी दादा भगवान ने कहा कि लक्ष्मी के लिए कपट टीका हुआ वो तो वापस निकल जाता है या तो कोई धंधे में बड़ा लॉस आ जाए या तो कोई लूटने वाला या तो कोई आप हमसे धोखा करने वाला मिल जाए तो वो लक्ष्मी के लिए हमारी आसक्ति तोड़ के रख सकता है फिर भी लक्ष्मी के लिए कपट है मगर वो कपट टूटता है कुदरत तुडवाती है या तो लॉस करवाकर धंधे में नुकसान या घाटा करवाकर या तो फिर कोई लूटने वाला मिल जाए क्योंकि कितने चालीस साल से मैं कमा रहा हूं मैंने जो इकट्ठा किया आज आप देखोगे तो बड़ी बड़ी बैंक भी उठ जाती है बैंक में ताले लग जाते हैं हमारे जितने भी पैसे रखे हो उसमें से गवर्नमेंट ने जितना परमिशन दिया है उतना ही मिलता है बाकी सारा तो चला जाता है ये क्यों होता है तो क्या ऐसे तो देखने को जाए तो हमारी लोभ की गांठ तोड़ने के लिए क्योंकि जितना लोभ ज्यादा उतनी नॉर्मालिटी से हम बहुत दूर गए फिर भी लोभ तोड़ने के लिए कुदरत हमको हेल्प करती है मगर विषय विकार के लिए संजीव भाई खुद को जागृत होना पड़ेगा और वो दादा भगवान की सही ज्ञान और दादा भगवान की समझ से जागृत होंगे तब जाके ये दो चीज में जागृत हुए उनको कपट हल्का सा रहता है वीकनेस के लिए और वीकनेस की वजह से जो कप कपट खड़ा है वीकनेस मतलब कषाय कषाय की वजह से जो कपट खड़ा है वो कपट चला जाता है केवल शरीर और शरीर के एक डिस्चार्ज मोज चारित्र मो जो वो अपने कर्म का फल के स्वरूप लाया उतना ही रहता है बाकी सारा खत्म हो जाता है ठीक है संजीव भाई

જય સચિદાનંદ હા જી બોલો જય સચિદાન અક્રમ વિજ્ઞાન પ્રમાણે અક્રમ વિજ્ઞાન પ્રમાણે હું બાવો અને બાવો અને પ્રતિષ્ઠિત આત્મા એ બે વિશે સમજવું છે જરા સમજ એ રીતની છે કે બાવો જે છે એ મિશ્ર ચેતન ગણાય અને પ્રતિષ્ઠિત આત્મા જે છે એ પાવર ચેતન કે નિશ્ચેતન ચેતન ગણાય બરાબર જી જી

राजेश भाई मेरी मेरी बात सुनाई देती है हाँ हाँ जितनी गलतियां है और वो जो गलतियों के पक्ष में है वो तो गलतियों के पक्ष वाले को दादा भगवान ने बाबा कहा और वो भीतर की गलतियों के पक्ष वाला उसके गलतियों के पक्ष में जिसको यूज करता है उसको मंगलदास कहा मेरी आवाज सुनाई देती है भीतर जो गलतियां है और गलतियों के पक्ष में है उसको बाबा कहा और गलतियों के पक्ष वाला आ, आ. गलतियों के पक्ष वाला गलतियों के पक्ष में जिसको यूज करता है उसको मंगलदास कहा। करता uh. में की है मैं मैं जीवित हूं मेरे अंदर आत्मा है और मैं जीवित हूं और जीवित होने के कारण मैं जिस, जिस में मेरी खुद की ये मेरा घर है, है ये मेरे फैमिली है ये मैं हूं और ये मेरा शरीर है इसको प्रतिष्ठा किया हुआ आत्मा कहते हैं जिसको शास्त्र में प्रतिष्ठित आत्मा कहा राजेश भाई सुन रहे हो? राजेश जी डिस्कनेक्ट लगे डिस्कनेक्ट लगे जी जी किस, किसी को कोई प्रश्न है या फिर ना किसी का प्रश्न अभी तक आया नहीं है ठीक तो उसको राजेश भाई को करने का जी ओके राजेश जी राजेश जी बोलिए राजेश जी अनम्यूट कीजिए सब समझ रहे हैं हां सुन रहे राजेश भाई आप राजेश भाई आपको मेरी आवाज सुनाई देती है हां ठीक से ठीक से इसमें में ठीक से सुनाई देती है इसमें मेन रोल है बाबा का आप केवल मुझे डेफिनेशन पूछते हो मेन रोल है बाबा का जो गलतियों बिगर का हो गया जिसके भीतर एक भी गलती ना रहे और उसमें भी कषायों के आधार पर जो गलतियां है कषायों का आधार लेकर जो हमारे भीतर गलतियां है वो सारी गलतियां निकल जाए तो उस उस बावा का स्वरूप को ज्ञानी पुरुष कहते हैं राजेश भाई हाँ मेरी हाँ। बात मेरी बात आपको आपने सुनी हाँ हाँ जिसके भीतर कषाय के देता पर, है जिसके भीतर कषाय के आधार पर जो गलतियां है कषाय के आधार पर कषाय के आधार पर मतलब जो गलतियां खुद के अलावा किसी को पता ना चले वो गलतियां निकल जाए उसको उसको शुद्ध सुद, शुद्ध बाबा कहते हैं शुद्ध बाबा और शुद्ध बाबा को ही ज्ञानी पुरुष कहा और उसमें मुख्य दो गलतियां एक लक्ष्मी संबंध में एक विषय विकार संबंध में ये दोनों निकल जाए बाद में तीसरी सबसे बड़ी लक्ष्मी संबंध में विषय विकार संबंध में गलतियां निकल जाए बाद में तीसरी गलतियां सबसे बड़ी इसको कहते हैं पूजा की कामना जेने गुजराती महवाई पूजावा कामना अत्यारे अभी इस कलयुग में पूजाने की कामना बहुत तेजी से चल रहा है बहुत अच्छी तरह इसका भिखारीपन बहुत ही सूक्ष्म है पूजाने की कामना मतलब ये पूजाने की अब भिखारीपन ये बहुत ही सूक्ष्म है क्योंकि वो ये शरीर के साथ अति सूक्ष्म रूप से काम करता है इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि हम यह संसार में सबसे लघुतम है और लघुतम क्यों कहा तो कि उनका बाबा दादा भगवान का बाबा स्वरूप प्योर हो चुका था हंड्रेड परसेंट प्योर बाबा को ज्ञानी पुरुष के रूप में पहचाना बाबा मतलब अंतस्करण में चलती हुई प्रक्रिया जो कषायों के आधार पर और कषायों की वजह से गलती करने की इच्छा हो और मंगलदास मतलब गलतियों के पक्ष में यूज करने वाला साधन ठीक है बराबर तो ये मंगलदास बोला वही प्रतिष्ठित आत्मा हुआ ना हाँ जी हाँ जी ठीक है अच्छा अभी जो ये बाबा जैसे जैसे ज्ञान मिलता गया और ज्ञान की ओर बढ़ता गया तो वैसे वो प्रतिष्ठित आत्मा तो नहीं बनती नहीं जाएगी ना अपने आप सब कुछ बनेगा आपने को क्यों इसमें पढ़ना है इसमें पढ़ने की कहाँ अच्छा जरूरत आप हमें तो, तो केवल अपनी गलतियां गलतियां जितनी पहचानते जाए उतना बाबा की पहचान होती गई जितनी हमारी भीतर की गलतियां हमको दिखाई दे उतना बाबा का पहचान हुआ क्योंकि अपनी खुद की गलतियां पहचानते नहीं है उतना समझना है कि गलतियों का स्वरूप बहुत मजबूत है और गलतियों का स्वरूप मजबूत है मतलब भीतर का बाबा स्वरूप बहुत मजबूत है क्योंकि ये क्योंकि गलतियों के पक्ष वाला है वो शुद्धात्मा के पक्ष वाला दादा भगवान की कृपा से हुआ है पुरुषार्थ से जैसे जैसे शुद्धात्मा के पक्ष वाला होते जाएगा पुरुषार्थ से उतना उतना खुद की गलतियां का गलतियों की पहचान बढ़ती जाएगी और जितनी जितनी गलतियों की पहचान बढ़ती जाए उतना आपका प्रतिष्ठित आत्मा मतलब मंगलदास बदलते जाएगा क्योंकि प्रतिष्ठित और वही भगवत स्वरूप होते जाएगा ना हाँ प्रतिष्ठित आत्मा को कर्म फल भी कहा क्योंकि कर्म के फल में हम क्या लेकर आए हैं मैं अहंकार ज्यादा लेकर आए कि मेरा ममत्व ज्यादा लेकर आए वो भी अपने को पहचान सकते हैं क्योंकि जो बात हमको ज्यादा अंदर से चुंबती है डंखती है परेशान करती है तो समझना चाहिए कि वो कोई भी बात हो ऐसा क्यों होता है मैं ज्यादा है या मेरापन ज्यादा है मतलब कौनसी वीकनेस से सी ये कर्म, कर्म फल ज्यादा मुझे भुगतना देता है ये सब बाबा का स्वरूप दिखाई देता है और जितना बाबा का स्वरूप दिखाई देगा मैं और मेरा वाला उतना कर्म फल वाला प्रतिष्ठित आत्मा से हम मुक्त और मुक्त का अनुभव हमें होते जाएगा ठीक है बहुत ही बेहतरीन जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद राजेश भाई जय सच्चिदानंद जय सचिदान मनी सवेन त्रिवेदी जय सचिदान निमेशानंद जी कोटि कोटि जय सचिदान जो विषय विकार के दोष है मनमाणी काया के तो उसके पीछे कषाय है कोई न कोई कषाय है तो जो प्रतिक्रमण करने हैं जो गलतियों के वह हमें कहाँ से स्टार्ट करना है सबसे पहले तो ये विषय विकार हमें ये विषय विकार से विपरीत ज्ञान हमारे अंदर ज्ञान कौन सा है तो विषय विकार के पक्ष वाला ज्ञान है कि इसमें सुख है इसमें सुख है ये बहुत ही इससे आगे सूक्ष्म क्या है जितना जितना आपको आपका शरीर जितना प्यारा है वो ही बता रहा है कि आप विषय विकार के लिए भी उतना ही आप अंदर से आसक्त हो जितना जितना अपने शरीर से हमको आसक्ति मतलब अपना शरीर के प्रति अपना जो राग है मोह के आधार पर जैसे कोई कहता है ना कि मैं स्नान किए बिगड़ तो निकल ही नहीं सकता मैं घर से बाहर निकलू तो मुझे तो स्नान करके अच्छे कपड़े पहनकर ही निकलना है तो ये सारी चीज किसको बढ़ोतरी देता है ये सारा ज्ञान या या तो ये सारी समझ किसके पक्ष में जाती है तो कि केवल विषय विकार के पक्ष में अब विषय विकार के पक्ष वाला ज्ञान के विपरीत ज्ञान को जितनी आराधना करोगे उतना हम जो मान के आए हैं विषय विकार के पक्ष वाले में वो पड़ता जाएगा अविषय-विकार के पक्ष में लेकर आए हुए हम ज्ञान क्योंकि हमको स्त्री का परिचय अच्छा लगता है स्त्री को पुरुष का परिचय अच्छा लगता है पिक्चर या कोई भी चीज में हमको अंदर से हमको बेहोश बनाए और सुख आए ऐसा कोई ये संसार में है तो एक विषय विकार है और दूसरा लक्ष्मी संबंधी तो वो लक्ष्मी स, लक्ष्मी कहाँ यूज होती है तो क्या अपने 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 आप को सवारने में या तो अपने अपने पास नई 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 आइटम बसाने में या तो नई नई आइटम लेके अपने आप को उसमें ही मजगुल मतलब गुमराह खुद को खो देना नई आइटम लेकर जैसे अपन नया सेलफोन लेते हैं मनीषा बहन तो थोड़े दिन तो अपन को वो सेलफोन इतना प्यारा लगता है अपने हम अपने आप को भी भूल जाते हैं अगर ये एक निर्जीव वस्तु निर्जीव आदमी ने बनाई हुई चीज केवल इलेक्ट्रिसिटी का सहारा लेकर टेक्नोलॉजी यूज कर एक आदमी ने निर्जीव मोबाइल बनाई उसमें भी हमारा मोह हमको बेहोश कर सकता है तो जीवित व्यक्ति के साथ जब हमारा ये टच या क्लोज या तो बात नजदीक आए तो हमें हमें कहा लेके जाए तो कि ये पता नहीं क्योंकि इसमें बहुत हमको सुख आता है और ये चाहिए अब दादा भगवान का जो सील दर्शक पूर्वार्ध और उत्तरार्ध अगर आप रोज दो पन्ने आठ पन्ने दस पन्ने पढ़ो ना, या तो चार पन्ने भी पढ़ो ना आपका चित जो भटकता था वो भी भटकना एक बार बंद हो जाए केवल दादा भगवान का ये सील दर्शक पढ़ने में इतना साइंटिफिक सॉल्यूशन, इतनी साइंटिफिक बात और एक ही शब्द के ऊपर इतनी ये कलयुग में जो ये कलयुग में कोई भी भगवान आए ये ब्रह्मचर्य के पक्ष में इतनी टच करने वाली और इतनी इफेक्टिव कह नहीं सकते उतना दादा भगवान ने एक ब्रह्मचर्य के ऊपर साइंटिफिक तुरंत इफेक्ट देने वाली बात सत्संग रखी कि क्या है अगर ये पढ़ेंगे ना बार बार तो तुरंत हमारा मन से हुआ दोष तुरंत दिखाई देगा और तुरंत प्रतिक्रमण करने की आदत पड़ जाएगी क्योंकि मुझे और नुकसान चलेगा मगर ये चारित्र संबंधी और उसमें भी ये ब्रह्मचर्य संबंधी अब्रह्मचर्य का सहारा लेकर अपने आप का दिवाला निकालने मतलब अपने आप को बैंक करना ये मुझे अब नहीं पोषाएगा ये सारी शील दर्शक से आपका निश्चय आपका अंदर से जागृत शुद्धात्मा होकर शुद्धात्मा में रहकर मनीषा बहन कहां, कहां नींद में आ जाते हैं या तो कहां, कहां वो ज्ञान से विचलित होते हैं आपको पता चलेगा पता चलते ही आपके भीतर प्रतिक्रमण या तो दोष होने के पहले की आपकी अलर्टनेस जागृति इतनी बढ़ेगी कि दोष होने के पहले ही आप ये गलती नहीं कर पाओगे फिर भी गलती हो जाए तो तुरंत ये समझ और ये ज्ञान एक बार दो बार फाइल नंबर एक के पास बहुत अच्छी तरह सही समझ के साथ प्रतिक्रमण करवाएगा ये हम फाइल नंबर एक के साथ हम रहते हैं मगर फाइल नंबर एक के साथ रहने के बावजूद भी फाइल नंबर एक का भी हित जानते नहीं है तो मैं खुद शुद्धात्मा के पक्ष वाला हित क्या है कैसे जानू केवल केवल पुस्तक में केवल बोलने में केवल खाली बातें करने में फाइल नंबर एक के साथ रहता हूं मैं मन वचन काया के साथ रहता हूं तो ये मन वचन काया कहा गलती करती है कहा खुद का नुकसान करती है कहा खुद का अहित करती है एक ही सिंपल बात कहता हूं सत्संग चलता हो और सत्संग में आए हो आप और फिर आपने चाय पीने में दूसरों के साथ बातें करने में बहुत टाइम के बाद मिला हो तो सत्संग का टाइम बिगाड़कर उसके साथ दस मिनट ज्यादा बात करने में क्योंकि बहुत टाइम के बाद मिले हो हालांकि उनका क्लेम नहीं है उनका ऐसा कोई क्लेम नहीं है कि आप इतने टाइम के बाद मिले हो तो दस मिनट ज्यादा खड़े रहो नहीं हमारे अंदर की हमारे अंदर की वीकनेस और सत्संग के प्रति हमारी आसक्ति कम और मन के साथ आसक्त हम ज्यादा तो हम आजकल आप क्या करते हो कैसे जाते हो ऐसा सत्संग का दस पंद्रह मिनट हमारा ऐसे हो जाता है या तो चाय पीने में या तो बात करने में या तो मोबाइल देखने में हम अपने आप को भी हम कह नहीं पाते कि निमेश ये टाइम बाद में भी आएगा या तो ऐसा कोई निमित मिल जाएगा जो तू नहीं जानता है तो तुझे वो ज्ञान भी देने चले आएंगे तुझे ज्ञान लेने जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारा ज्ञान तेरे रियल ज्ञान को डिस्टर्ब ना करे इस तरह यह ज्ञान के साथ तुझे रहना है जिसको कहते हैं रिलेटिव ज्ञान रिलेटिव ज्ञान मतलब मन वचन काया नाम और नाम की माया और रियल ज्ञान मतलब मैं अविनाशी शाश्वत अगर रिलेटिव ज्ञान की बहुत चिकनाहट है और रिलेटिव ज्ञान में हमको बहुत परफेक्ट होना है तो हम जैसे जैसे रिलेटिव ज्ञान आएगा ना हम खो जाएंगे क्यों भाई उसमें भी जब अपने अपने हमारे साथ कोई या तो कोई विषय विकार या कोई और बात करे तब जाके हमको ज्यादा इसके लिए कहा था मैंने उम्र कितनी भी बढ़ जाए विषय विकार में उम्र को उम्र के साथ उनका अंदर से पावर कम होना मुमकिन नहीं है समझ और सही ज्ञान ज्ञान के बिगड़ तो कुछ नहीं है मगर सही समझ के बिगर ये विषय विकार आपके भीतर काम करता रहेगा और उसके पक्ष में हम होते भी जाएंगे पता तक नहीं चलेगा इतना भारी गेम हमारे अंदर चलता है क्योंकि कोई भी अपने शरीर को सुखाने का काम नहीं करते कोई भी अपना ये महात्मा ज्ञान लेने के बाद हम शरीर के भीतर के वीकनेस को सुखाना मतलब उपवास करवाने या तो उसको दुबला मतलब एकदम बिगर एनर्जी बिगर शक्ति वाला बना देना ये पुरुषार्थ चलना चाहिए मगर नहीं चलता है क्योंकि जैसे जैसे ये वीकनेस विषय विकार को बढ़ावा नहीं मिला या जैसे ही ये विषय विकार को सपोर्ट नहीं मिला ना ये भीतर का विषय विकार वाला वीकनेस आपको जलन ज्यादा खड़ा करेगा जलन आपको जलाएगा अशांति अजंपा आपको चैन नहीं आएगा ऐसा ऐसा इनडायरेक्ट ये सब करके कंटाला लाएगा अकेले बैठने नहीं देगा कुछ ना कुछ मनोरंजन करवा 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 के फिर इनडायरेक्टली विषय विकार की ओर लेके जाता है क्यों भाई तुझे क्यों अभी नर्वस है क्यों भाई तुझे क्यों कंटाला आता है क्यों भाई तू अभी ऐसा मूड मूड में नहीं है तुझे मूड में लाने के लिए क्या करूं धीरे धीरे एक एक बात बताते जाएगा मार्केट में लेके जाएगा बाजार में लेके जाएगा शॉपिंग में लेके जाएगा किसके साथ बनते उसके साथ बात करने में लेके जाएगा किसके साथ फोन पे बात करूं किसके साथ चैटिंग करूं किसके साथ मैसेज करूं और मैसेज में ऐसा वो आंसर दे ताकि मेरे भीतर की वीकनेस को बढ़ावा मिले और जो मेरी वीकनेस को बढ़ावा नहीं देगा उसके साथ में एक बार चैटिंग करूंगा बाद में नहीं करूंगा कि नहीं वो तो मेरा अपमान करते नहीं वो उसके पास से तो मुझे सुख आता ही नहीं है और उसके पास से सुख कौन सा लेने जा गया है तू करते 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 पता चले कि इसको तो ऐसा सुख पसंद है जहां पर सुख का एक छोटा सा बिंदु भी नहीं है सुख की एक छाया तक नहीं है वहां उसने सारा सुख माना है इस सिलदर्शक पूर्वार्ध और उत्तरार्ध जब इसका ज्यादा हम अध्ययन करें या उसको ज्यादा पढ़े तो अपने भीतर की पूरी प्रोसेस समझ में आती जाए और हमारा खुद का एक छठवी कलम के प्रति हमारा भीतर का सास हमारी एनर्जी बढ़ती जाए और वो सारी एनर्जी ज्ञान में कन्वर्ट होती जाए दादा के ज्ञान में हमको हेल्प करने लगे ठीक है मनीषा बहन जी जी जय सचिदानंद करने की शक्ति दीजिए जय सच्चिदानंद, ललिता बेन ललिता कृष्णन जय सच्चिदानंद, जय सचिद हाँ जी हाँ माई क्वेश्चन इज दादा ने कहा कि ज्ञान के बाद चार्जिंग बंद हुआ है हाँ? तो माई क्वेश्चन इज कारण शरीर कैसे फॉर्म होता है फिर केवल पांच आज्ञा के लिए खुला रखा है कारण शरीर oh. मतलब कॉजल बॉडी right. और कॉजल बॉडी दादा भगवान ने बाकी सारी जगह से दादा भगवान ने नए hmm. कर्म चार्ज होने का बंद कर दिया मगर right. केवल पांच आज्ञा का चार्जिंग खुला रखा है ओके okay. और पांच आज्ञा का चार्जिंग hmm. जब डिस्चार्ज में आए तो वो खुद परमात्मा बन जाए इसके लिए वो चार्जिंग खुल्ला है जो चार्जिंग हंड्रेड परसेंट डिस्चार्ज होने में हेल्पफुल हो जाए और हंड्रेड परसेंट परमात्मा स्वरूप बनने में हमें वो चार्जिंग काम आए उतना ही चार्जिंग दादा भगवान ने खुला रखा है जिसको पांच आज्ञा से चार्जिंग कहा है एक जन्म दो जन्म पांच जन्म और ज्यादा से ज्यादा पंद्रह जन्म में ये आज्ञा का चार्जिंग होकर डिस्चार्ज में परमात्मा स्वरूप बनने के लिए ये चार्जिंग है ठीक है ललिता जी यस थैंक यू माय सेकंड क्वेश्चन इज जो चार्ज परमाणु है how reactive is that? चार्ज परमाणु रिएक्ट ये प्रेजेंट लाइफ में रिएक्ट डायरेक्ट आपके अहंकार से है क्योंकि चार्ज परमाणु अहंकार से रिलेटेड है और चार्ज परमाणु अहंकार वो वेरी मोनिकुलर मतलब स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम एकदम जो कहा जो वहां पे किसी को भी पहचान नहीं सके उसको सूक्ष्म कहा और सूक्ष्म अहंकार में ही तम भाव होते हैं और वो तम भाव ही चार्जिंग परमाणु कहते हैं मगर दादा भगवान से ज्ञान लेने के बाद सूक्ष्मतम भाव मतलब सूक्ष्मतम अहंकार हमेशा के लिए जला दिया वहां का द्वार और वो अहंकार हमारे अंदर रहा ही नहीं अब कौन सा रहा स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्मतर ये दिखाई लिए? देता है जी सूक्ष्म सूक्ष्म और सुक्ष्म दिखाई देता है केवल ज्ञान की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे केवल ज्ञान केवल ज्ञान मतलब ओनली प्रकाश ओनली लाइट और दूसरी 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 तरह से समझना हो तो केवल ज्ञान मतलब हंड्रेड परसेंट हर पल हर क्षण जागृति मतलब निरंतर जागृति वाला स्वरूप को केवल ज्ञान कहते हैं जैसे जैसे केवल ज्ञान की ओर आगे बढ़ते जाओ ये परमाणु आपको समझ में आते हैं और ज्ञान से आप समझ सकते हो और केवल ज्ञान होते ही ये सारे परमाणु आपको दिखाई देते हैं गिने स्वरूप से ठीक है जी थैंक यू जय सचिदानंद जय सचिदानंद जय सचानंद में समय हुआ है हमारा आप त्रिमंत्र बोलवाइए ललिता जी आप फॉलो कीजिएगा नमो वित्रा गाय

एसो पंच नमुक्कारो एसो पंच नमो च सवेसिम, मंगला च चवेशी पद्म भवई मंगलम, पद्मं हवै मंगल ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सचिदानंद मेरे शरण जी जय सचिदानंद महात्मा मेरे शरण जी जय जी वेरी गुड फॉर द क्लैरिफिकेशन मिला थैंक यू